जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी मंदिर में अमृतसर रेल दुर्घटना में मृतकों की आत्म शांति, घायलों के शीघ्र लाभ के लिए तथा दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर स्थानीय पुजारी वर्ग तथा स्थानीय लोगों ने व श्रद्धालुओं के द्वारा माता श्री नैना देवी के दरबार में 2 मिनट का मौन रखा गया और प्रार्थना की गई। इसमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। स्थानीय पुजारी वर्ग के द्वारा ये मौन और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। दशहरे के त्यौहार मौके से जो हादसा वापरिया जो पंजाब के देशों के गरीब लोग जो बेजाना गई है, अब अभी श्री नैना देवी मंदिर विखे उन्हों की आत्मिक शांति लिए जो 2 मिनट का मौन धर के उन्हों की प्रार्थना की गई। तो जोड़े इस हादसे में घायल हुए हैं उन्होंने छत्ती सेहत जाप होने की प्रार्थना की गई। माता रानी को सेहत छत्ती छत्ती ठीक करे। तो जोड़े बंदे इस हादसे में भाणा मन का बल बच्चे जय माता मंदिर च पुजारी जी ने उन्होंने मिलकर इतने 2 मिनट का मौन रख रहे हैं कि जेडे माता जी के चरणा जावे राज जिन्हों जानी नुकसान होया उन्होंने मां नैना देवी अपने चरणा च निवास देवे और उन्होंने परिवार को भाणा मन का बल बख्शे और जेडे यात्री जेडे उ संगत या जेडी उ पब्लिक घायल हुई है जिन्हों के चोटा लगिया बहुत ज्यादा उन्होंने मां नैना देवी जल्दी तो जल्दी स्वस्थ करे। इस वजह करके असी मां नैना देवी के मंदिर खड़े होकर पुजारियों के नाल मिलकर 2 मिनट का मौन रख रहे हैं। धन्यवाद। अमृतसर में जो ये दर्दनाक हादसा घटा है ये बहुत ही दर्दनाक है। ऐसे हादसों से प्रबंधकर्ता को, आम जनता को, रेलवे विभाग को और सरकार को विशेषतया ऐसे मौकों पर सावधानी बरतनी चाहिए। जो इस हादसे में लोग मारे गए हैं उनको माँ उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी अपने उपचार करवा करके घर में पहुंचे। जय माता।